देखे हुए तो जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईडी की टीम अनुमानतुल्ला देखिए बहुत बड़ी खबर ईडी की टीम अमानतुल्ला खान को लेकर यहां पर निकली है। इसी गाड़ी में अमानतुल्ला खान जा रहे हैं और यहां से ईडी की टीम लेकर जा रही है। आपको देख पा रहे हैं इस गाड़ी में ईडी की टीम लेकर जा रही है। भारी भरकम सुरक्षा के बीच यहां पर ईडी की टीम खुद अपने साथ अमानतुल्ला खान को लेकर जा रही है यहां पर। तो अभी तक की बड़ी खबर है कि जो अमानत उसको ईडी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है इसी गाड़ी में। ये जो गाड़ी है इसी गाड़ी में पीछे की तरफ अमानतुल्ला खान को लेकर ईडी के अधिकारी बैठे हुए हैं और यहाँ से लेकर जा रहे हैं अपने साथ। बिल्कुल देखिए आपको बताऊं जो ईडी की टीम है ये एक एक करके ईडी की टीम यहाँ से निकल रही है और अमानतुल्ला खान को ईडी की टीम अपने साथ लेकर निकली है। ईडी के जो अधिकारी है आप देख पा रहे हैं इन गाड़ियों में 3 से 4 गाड़ियां आई थी और ये जो पूरा कॉन्वॉय है और अब से कुछ देर पहले जो पहली गाड़ी निकली है उसमें अमानतुल्ला आपको जब लेकर ईडी की टीम निकली तो अमानतुल्ला खान ने बकायदा हाथ हिलाया और उसके बाद अब एक एक करके चूंकि सुबह जिस तरह की हलचल थी उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर बुलाई गई थी और उसके बाद अमानतुल्ला खान को ईडी की टीम लेकर निकली है एक एक के बाद। ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं इसमें जो ईडी की अधिकारी है महिला अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है जो पहली गाड़ी थी उसमें लेकर गई है। तो ये कह सकते हैं कि ईडी हिरासत में लेकर अमानतुल्ला खान को जा रही है ईडी दफ्तर। तो बहुत मुमकिन है कि इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट भी आसपास देखने को मिले क्योंकि पहले भी कई बार पूछताछ की जा रही थी। ये देखिए ईडी की टीम है ईडी की महिला अधिकारी जो यहां पर पहुंची थी और पीछे की तरफ देखेंगे तो लगातार जो पीछे गाड़ियों का काफिला है वो गाड़ियों का काफिला लगातार जा रहा और साथ ही साथ पुलिस एक्स्ट्रा जो पुलिस टीम यहां पर बुलाई गई थी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो बुलाए गए थे। और जैसे ही अमानतुल्ला खान बाहर निकले सबसे पहले उन्होंने हाथ हिलाया सुबह उन्होंने अपनी तरफ से तो ऐलान कर ही दिया था कि ईडी की टीम उनको गिरफ्तार करने आई है लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी ईडी की टीम अमानतुल्ला खान को लेकर जा रही है। देखिए परेशानी तो बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि मैं आपको बताऊं देखिए जो 6 से 7 गाड़ियों का काफिला आया था और एक एक करके ये जो तमाम काफिला है वो अब निकल रहा है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे की टीम पहुंची थी बहसबाजी भी हुई अमानतुल्ला खान ने ईडी के अफसरों से बहसबाजी की उसके बाद ईडी की टीम फाइनली लोकल पुलिस की मदद से अंदर दाखिल हुई घंटों पूछताछ हुई उसके बाद जैसे ही ईडी की टीम अमानतुल्ला खान को लेकर निकली अमानतुल्ला खान ने बाकायदा हाथ हिलाया और उसके बाद ईडी की टीम के अधिकारियों ने अमानतुल्ला खान को गाड़ी में बैठाया है और यहां से लेकर निकली है। जो जानकारी मिल रही है कि अमानतुल्ला खान को ईडी के दफ्तर लेकर जाएगी ईडी हेडक्वार्टर लेकर ईडी की टीम जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि इस मामले में कोई बड़ा अपडेट आशुतोष कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को दे पाएंगे लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति थी अगर ये देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान देखिए इस मामले में बहुत पहले से छानबीन चल रही है। आशुतोष बीते साल अक्टूबर में भी ईडी की टीम ने रेड किया था और कई राउंड की आपको याद होगा पूछताछ हुई थी अमानतुल्ला खान से। कई बार अमानतुल्ला खान से वर्क बोर्ड से रिलेटेड दस्तावेज भी मंगवाए गए थे कई राउंड की पूछताछ हुई थी। तो अब ऐसे में जब कई बार इसी केस में ईडी की टीम ने पूछताछ कर ली थी अमानतुल्ला से तो इस वक्त आना यानी कोई एक नया एविडेंस कोई नई एक लीड ईडी की टीम को मिली थी तभी आज ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और कोई स्ट्रांग लीड मिली थी तभी अमानतुल्ला खान को लेकर जो ईडी की टीम है वो निकली है। कुछ देर बाद हम इस मामले में कोई बड़ा अपडेट दे पाएंगे और मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर है अमानतुल्ला खान गिरफ्तार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं अमानतुल्ला खान अरेस्टेड